वक्त की बड़ी खबर, शहर में 10 दिन में डेंगू के 15 मरीज। 2020 में डेंगू के 644 मरीज मिले थे। शहर में हाल ही में हुई बारिश से खतरा, डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ा। कोरोना की वजह से बंद पड़ी है डेंगू की जांच। लखनऊ के कई अस्पतालों में डेंगू जांच बंद पड़ी। एक बार फिर डेंगू का खतरा मंडराने लगा है। वहीं कोरोना के चलते जो बाकी बीमारियां हैं उसको कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह से 10 दिनों में 15 मरीज मिले हैं, लेकिन टेस्टिंग को लेकर, डेंगू की टेस्टिंग नहीं हो रही है, उसको लेकर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा जैसे ही मानसून आता है, बारिश होती है, वैसे ही बढ़ जाता है। और एक बार फिर से 2020 में 644 केसेस मिले थे और अभी फिलहाल 10 दिन के अंदर 15 मरीज डेंगू के मिले हैं। इसके चलते अब डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों का भी खतरा मंडराने लग गया है। अगली बड़ी खबर इस वक्त की बिजनौर से सामने आ रही है। विवेचना कर रहे दारोगा पर हुआ हमला। विवाह संबंधी विवेचना कर रहा था दारोगा, पीड़ित युवती के भाइयों ने कागजात फाड़े। शहर कोतवाली क्षेत्र के तिमरपुर की घटना। शादी समारोह में विवेचना करने गए दारोगा पर हमला हो गया। बता दें कि शादी संबंधी विवेचना करने गए थे दारोगा साहब और उनके ऊपर युवती के भाइयों ने कागजात भी फाड़े। शहर कोतवाली क्षेत्र के तिमरपुर की ये पूरी घटना हम आपको बता रहे हैं। वही अगली बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से सामने आ रही है। 7 साल की बच्ची ने लगाई मदद की गुहार। कोविड में पिता को खो चुकी है मासूम। फैजुल्लागंज की रहने वाली बच्ची ने लगाई गुहार। पिता की मौत के बाद घर में कोई कमाने वाला नहीं। जिलाधिकारी को मां बेटी ने पत्र लिखकर मदद मांगी। बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं, जहां पर एक बच्ची ने अपने पिता को खोने के बाद जिलाधिकारी से मदद की गुहार लगाई है। 7 साल की बच्ची ने पिता की मौत के बाद पत्र लिखकर जिलाधिकारी से मदद की गुहार लगाई है, क्योंकि अब उनके परिवार में पिता की मौत के बाद कमाने वाला कोई दूसरा नहीं बचा है। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, राजधानी में निगेटिव ग्रुप के खून का संकट। ब्लड बैंकों में सिर्फ 1/3 स्टॉक मौजूद। कोरोना का भारी असर ब्लड बैंकों पर पड़ा। कोरोना की वजह से नहीं हो सका ब्लड कलेक्ट। लोग कोरोना की वजह से ब्लड डोनेशन से बच रहे हैं। ब्लड ना होने से मरीजों का इलाज बाधित। कहीं ना कहीं अब ब्लड बैंक में ब्लड की कमी दर्ज की जा रही है। कोरोना के चलते लोग ब्लड डोनेट करने से एक और जहां डर रहे हैं, तो वहीं पर निगेटिव ब्लड की कमी काफी ज्यादा दर्ज की जा रही है। 1/3 खाली ब्लड बैंक में ब्लड बचा है निगेटिव, और इसको लेकर लगातार चिंता बनी हुई है। अगली बड़ी खबर इस वक्त की मेरठ से सामने आ रही है। ब्लैक फंगस के 8 नए मरीज मिले। ब्लैक फंगस के 2 मरीजों की हुई मौत। मेडिकल के 98 मरीजों में 9 आईसीयू में भर्ती। ब्लैक फंगस के 125 एक्टिव मरीज हैं। मेरठ में ब्लैक फंगस के 8 नए मरीज मिले हैं। बता दें लगातार ब्लैक फंगस का खतरा बना हुआ है, इसको लेकर ब्लैक फंगस के 2 मरीजों की मृत्यु भी हो गई है। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, मेडिकल में 98 मरीजों में से 9 आईसीयू में भर्ती है, 125 कुल एक्टिव मरीज है। वहीं अगली बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, वैक्सीन से जुड़ी हुई। बच्चों के लिए वैक्सीन की जगी उम्मीद। एम्स में आज से शुरू होगा कोवैक्सीन का ट्रायल। 2 से 15 साल तक के बच्चों पर होगा ट्रायल। तो आपको बता दें कि बच्चों के वैक्सीन को लेकर उम्मीद जागी है।
अगली बड़ी खबर आज से बच्चों के लिए वैक्सीन की उम्मीद जग गई है। बता दें कि एम्स में आज से शुरू होगा कोवैक्सीन का ट्रायल। 2 से 15 साल के बच्चों पर होगा ट्रायल। इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष जुड़ चुके हैं। मनीष, मैं आपसे जानना चाहूंगी, बच्चों के ट्रायल बड़ी खबर ये सामने आ रही, क्योंकि लगातार तीसरी वेव में बच्चों पर खतरा बहुत ज्यादा मंडरा रहा था, उस बीच कोवैक्सीन के ट्रायल को लेकर ये बड़ी खबर हम दिखा रहे हैं। लेकिन क्या ये कोवैक्सीन जो ज्यादा उम्र 18 प्लस को लग रही थी, क्या उसी का ट्रायल बच्चों पर किया जा रहा है या ये अलग तरह से बनाई गई है? नहीं, देखिए आपको बता दूं कि हमारा जो अभी जो सेकंड वेव की चल रही थी, उसके बाद ये वैज्ञानिकों ने और जो एक्सपर्टीज ने बता दिया कि तीसरी वेव भी आ सकती है, जो कि सबसे ज्यादा बच्चों को इफेक्ट करेगी। तो इसको देखते हुए ट्रायल रन किया जा रहा है बायोटेक और कोवैक्सीन के प्रावधान में। ये पहले पटना में एम्स में किया गया था और जो इन बच्चों को चयनित किया गया वो पूरी निगरानी में रखा जा रहा है, उनको पूरी विश्वास है, उसके बाद इनको ट्रायल किया जा रहा है। ट्रायल करने के बाद इनके आज से दिल्ली एम्स में भी इनके वैक्सीनेशन का ट्रायल किया जाएगा, जो कि बायोटेक और कोवैक्सीन है। हम पता है कि जैसे सेकेंड वेव में हमने देखा था किस तरीके से एक बहुत ज्यादा तासीर हुई थी पूरे भारतवर्ष में, उसके बाद फिर माना जाता है कि तीसरी वेव आ सकती है और तीसरी वेव बच्चों को लेके बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेगी। तो इसको देखते हुए पूरा प्रावधान किया गया है और आज से दिल्ली एम्स में इसका शुरू किया जाएगा ट्रायल। ये खासतौर से जो बच्चे हैं उनके लिए विकसित की गई है, इसी का ट्रायल किया जा रहा है। कीर्ति, लेकिन ये 2 से 15 साल जिन बच्चों पर वैक्सीन को लेकर ट्रायल किया जा रहा है, ये कौन से बच्चे हैं, किन बच्चों को पर वैक्सीन को लेकर ट्रायल किया जा रहा है? इन बच्चों को चयन किया गया था, इनको निगरानी में रखा गया है, इनकी पूरी जांच की गई है, पूर्णतः स्वस्थ होने के बाद ही इन बच्चों पे ट्रायल किया जा रहा है। और इन बच्चों को चयन किया गया था, पहले हम बता दें कि 3 जून से एक पटना एम्स में किया गया था, उनको पहली वैक्सीनेशन की डोज दे दी गई है, वो भी सुपरविजन में रखे गए हैं, डॉक्टर के सुपरविजन में है। अब आज से दिल्ली एम्स में भी इसका ट्रायल किया जा रहा है और पूरी एक डॉक्टर की टीम है जो इन पूरे बच्चों पे निगरानी बनाए रखेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम आपको बता दें कि अब 2 से 18 साल तक के बच्चों के ऊपर वैक्सीन का ट्रायल लगातार किया जा रहा है। एम्स के डॉक्टर उम्मीद जता रहे हैं कोवैक्सीन को लेकर बच्चों का ट्रायल किया जा रहा है। वहीं इस वक्त की अगली बड़ी खबर, आज से लोहिया पीजीआई की ओपीडी शुरू। कोरोना जांच के बाद ओपीडी में दिखा सकेंगे मरीज। पीजीआई में रोजाना 20 नए 40 पुराने मरीज देखे जाएंगे। लोहिया संस्थान में 50 नए 50 पुराने मरीज देखे जाएंगे। तो जिस कदर कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, वहीं योगी आदित्यनाथ ने ये फरमान जारी किया था कि अब जो ओपीडी व्यवस्थाएं बंद पड़ी हुई हैं, उन्हें एक बार फिर से शुरू किया जाए। इसको लेकर मैं बता दूं कि अब पीजीआई में रोजाना 20 नए और 40 पुराने मरीज, वहीं लोहिया संस्थान में 50 नए और 50 पुराने मरीजों को इन निर्देशों के तर्ज पर अब ओपीडी खोली जाएगी और मरीज अपनी अन्य बीमारियों को लेकर लोहिया पीजीआई की ओपीडी में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं से जुड़ी जानकारी ले सकेंगे। वहाँ खुद स्वास्थ्य से जुड़ी अपनी जो भी परेशानियां हैं वो ओपीडी में दिखा सकेंगे। वहाँ पर डॉक्टर्स उनकी ओपीडी अब खोल दी जाएगी, तो डॉक्टर्स ओपीडी में आप मौजूद रहेंगे, जिससे जो अन्य मरीज हैं कोरोना के अलावा उन्हें थोड़ी राहत मिल सकती है। वही अगली बड़ी खबर सामने आ रही है, पश्चिम बंगाल हिंसा मामले पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट आज मामले पर करेगा सुनवाई। हिंसा के चलते हो रहे पलायन को रोकने की मांग, जिम्मेदार के खिलाफ एसआईटी जांच की मांग। तो पश्चिम बंगाल में हिंसा मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी आज। जिस तरह से पलायन हो रहा है उसको रोकने के लिए, हिंसा के चलते पलायन को रोकने की मांग की गई है, उस पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना सकता है। तो ये थी ब्रेकिंग बैक टू बैक। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।